दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक मुकेश अंबानी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये तो आपको भी पता होगा कि मुकेश अंबानी के पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। धन कुबेर बनने के पहले उनके पिता धीरूभाई अंबानी, फिर मुकेश अंबानी ने कड़ी मेहनत की है। इस मेहनत से ही आज मुकेश अंबानी ने ये मुकाम हासिल किया है। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आया है कि इतने पैसे का ये लोग आखिर करते क्या हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक ज़रूर से देखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि अंबानी परिवार अपनी दौलत को कैसे उड़ाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के एक पावरफुल पर्सनालिटी मुकेश अंबानी की नेटवर्थ की बात की जाए तो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 53 बिलियन US डॉलर है, जो इंडियन करेंसी में 4 लाख करोड़ रुपया के आसपास है। इनका अलग ही रुतबा है। इनके आगे बड़े बड़े नेता और फिल्मी सितारे की चमक भी फीकी पड़ जाती है। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि जब एक इंटरव्यू में मुकेश अंबानी से उनकी पसंदीदा डिश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत सादे तरीके से इडली सांभर कहा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इतनी सादी पसंद वाला व्यक्ति आखिर क्या पैसे खर्च करता होगा। अब बात करते हैं नीता अंबानी के लाइफ स्टाइल की। अगर बात की जाए नीता अंबानी की पर्सनैलिटी या पहनावे की तो ये चर्चा में हमेशा रहा है। नीता अंबानी की फिटनेस से लेकर साड़ियाँ, पर्स, सब कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। बाकी नीता के पास दुनिया के महंगे ब्रांड के कपड़े और बैग भी है, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। कहा जाता है कि नीता अंबानी के पास एक ऐसी साड़ी है जिसकी कीमत 40 लाख के आसपास है। कई बार नीता ऐसे बैग इस्तेमाल करती हैं जिन पर डायमंड या गोल्ड लगा हुआ होता है। इसके अलावा नीता अपने घर को किसी भी ऐसे चीज़ से सजाती रहती हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। नीता का ये शौक इसलिए है क्योंकि वो एशिया के सबसे अमीर इंसान की पत्नी है, और उनके पास एक ऐसा बैग है जिसकी कीमत 2.6 करोड़ बताई जाती है। ये सुनकर आपके पैरों के तले से जमीन खिसक गई होगी कि मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी जिस कप में चाय पीती हैं उस कप की कीमत 3 लाख रुपए बताई जाती है। दोस्तों, ये कप जापान की एक कंपनी बनाती है। इन कपों के ऊपर गोल्डन कलर का ऐसा काम किया जाता है जो किसी दूसरी ब्रांड के कपों में नहीं किया जाता। इस कंपनी के 5 कपों के सेट की कीमत 1.5 करोड़ के आसपास है। नीता अंबानी ऐसी बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं जो हम लोग अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते। नीता अंबानी के पास A319 लग्जरी प्राइवेट जेट भी है जो उन्हें मुकेश अंबानी ने उनके जन्मदिन पर गिफ्ट किया था, और इस जेट की कीमत 230 करोड़ रुपए बताई जाती है। अगर बात की जाए मुकेश अंबानी की कार कलेक्शन की तो मुकेश अंबानी के पास 168 कारें हैं, जिसमें से मर्सिडीज, रॉयल, रोल्ड, BMW जैसी कारें शामिल हैं। मुकेश अंबानी की कार बुलेट प्रूफ होती है, जिस पर बंदूक की गोली और ग्रेनेड का असर नहीं होता, इसलिए इन सभी कारों की कीमत भी करोड़ों में होती है। महंगी कारों के अलावा मुकेश अंबानी के पास एक वैनिटी वैन भी है जो दिखने में बेहद खूबसूरत है। इस वैनिटी वैन की कीमत 25 करोड़ के आसपास बताई जाती है। इस वैन को सड़क पर चलाने के लिए मुकेश अंबानी की RTO को 1.5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का टैक्स देना पड़ता है। बल्कि अब जियो के आने के बाद तो रिलायंस और भी बड़ा हो रहा है, और बहुत
मुश्किल है कि मुकेश अंबानी से एशिया के सबसे अमीर शख्स होने का खिताब कोई छीन सके। दोस्तों, अगर मुकेश अंबानी बनने का ख्वाब आपका भी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं, जय हिंद।